चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ आएगा। क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, जिससे रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो थे हमारे, वो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। हमने बार ग्राफ्स के बारे में सीखा था, डबल बार ग्राफ्स के बारे में सीखा था, डेटा होता क्या है वो सीखा था, और अलग अलग रिप्रेजेंटेशन सीखे थे, जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और क्या सीखा था, हिस्टोग्राम सीखा था हम लोगों ने, किसी भी रॉ डेटा को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में लिखना सीखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल फॉर्म में। तो आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे साथ में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चार केसेस दिए हुए हैं और उसने हमसे पूछा है कि इस चार में से कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग एक हिस्टोग्राम को यूज़ कर सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इन चार केसेस पे आने के पहले हम लोग इन जनरल अगर बात करें, जैसा कि हमने कल भी बात करी थी कि हिस्टोग्राम हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों के पास वाइड अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है, और उसे हमें ग्रुप करना कंपल्सरी हो जाता है हमारे लिए कि हम उसे ग्रुप करें ही। जैसे कि हम लोग किस चीज़ को देख रहे थे, हम लोगों ने देखा था मार्क्स, जो मार्क्स होते हैं, कल के एग्जांपल में हमने देखा था मार्क्स के बारे में कि मार्क्स 1 से लेके 100 तक कभी कहीं पे भी आ सकते हैं किसी किसी स्टूडेंट्स के। तो हम लोग के लिए अच्छा होगा अगर हम लोग 1 से 100 तक सारे वैल्यूज़ को अलग से लिखने की जगह उनको ग्रुप कर दें कि 1 से 10 कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 11 से 20 कितने लोगों के आए हैं, 21 से 30, और इस तरह से ग्रुप कर देंगे अगर हम लोग 10-10 के विड्थ साइज़ में, तो टोटल 10 वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी, बस 1 से 10, 2 से 20 ऐसे करके। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है उसे छोटा करने के लिए हमें ग्रुप करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है द नंबर ऑफ़ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज़ इन अ पोस्टमैन बैग। अब देखो, बात तो नंबर ऑफ़ लेटर्स की हो रही है, तो नंबर ऑफ़ लेटर्स देख के आपके मन में आ जाएगा कि किसी भी पोस्टमैन के बैग में बहुत सारे लेटर होते हैं जो उसे पोस्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बात नंबर ऑफ़ लेटर्स किस चीज़ के लिए हो रही है, डिफरेंट एरियाज़ के लिए हो रही है, और किसी भी पोस्टमैन के पास बहुत सारे एरिया नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एरिया होते हैं, या फिर अगर किसी के पास मतलब कभी कोई दो पोस्टमैन काम कर रहे हैं और एक अवेलेबल नहीं है, तो एक का काम भी अगर दूसरे को दे देंगे, मतलब कि 2 आदमियों का काम एक पोस्टमैन करेगा, तो भी उसके पास 5-6 ही एरियाज़ होंगे टोटल। तो यहाँ पे बेसिकली एरियाज़ की बात हो रही है कि एरिया में काम करने के लिए पोस्टमैन के पास कितने लेटर्स हैं। तो इसको अगर आप देखो, हमेशा क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आप कभी कुछ नहीं भूलो, इसलिए बनाने की कोशिश करना है। क्या करना है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, दो चीज़ें बनाने की कोशिश करनी है। अगर बार ग्राफ बन गया तो हिस्टोग्राम के लिए आप लिख दोगे कि हमें हिस्टोग्राम नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं इसके लिए हम लोग, देखो मान लो अपने दिमाग में उसने एरियाज हमें दे रखे हैं, आप अपने दिमाग में ऐसा मान लो कि 4 एरियाज में ये वाला पोस्टमैन जो है वो लेटर्स को पोस्ट करता है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ लेटर्स ले लोगे, हमेशा वेरिएबल चीज़ यहाँ लेते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स जो अलग अलग एरिया के हिसाब से वेरी होंगे, होते तो दोनों ही वेरिएबल हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स वेरी होंगे, यहाँ पे हमारे एरिया वेरी होंगे, बट बेसिकली ये मेन चीज़ है जो हम देखना चाह रहे हैं हमारे एनालिसिस में। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हो जाएंगे, मान लो एरिया ए के लिए मैंने ये इतनी बड़ी बार बना दी, बी के लिए इतनी बड़ी बार बना दी, सी के लिए इतनी बड़ी बार बना दी, ठीक है, मतलब कि फिक्स्ड नंबर ऑफ़ चीज़ें होंगी। ठीक है, और यहाँ पर एक कंटिन्यूस डेटा भी नहीं है। हाँ देखो, एक डिफरेंस ये भी है कि हमें कंटिन्यूस डेटा को भी देखना है। जैसे कंटिन्यूस डेटा कैसे, जब हमने मार्क्स की बात करी थी कि 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, 21 से लेके 30, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि मार्क्स कंटिन्यूस हो सकते हैं, 10 के बाद चांसेस हैं किसी के 10 और 11 आ जाए, मतलब लगातार आ जाए, जो हमने क्लासेस बनाई हैं उस तरह से। लेकिन जब भी बात एरियाज़ की होगी तो एरियाज़ तो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, एरिया तो सब अलग अलग होते हैं, ये दिल्ली हो गया, ये कानपुर हो गया, ये लखनऊ हो गया, तो एरियाज़ तो हमेशा अलग अलग और डेफिनेट ही रहेंगे। तो जो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग ऑलरेडी हैं और डेफिनेट हैं उनमें हम बार ग्राफ यूज़ करेंगे, और जहाँ पर डेटा साइज़ बड़ा है और कंटिन्यूस है, आपको मेनली बड़ा नहीं कंटिन्यूस याद रखना है, जहाँ डेटा कंटिन्यूस है 1 से 100 कहीं पे भी मार्क्स आ सकते हैं, वहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। तो इस केस में
तो इस वाले केस में जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें हम लोग बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, तो हमें हिस्टोग्राम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इसमें हमें हिस्टोग्राम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डेटा कॉन्टीन्यूअस नहीं है। सेकंड की बात करें, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। अब एक एथलेटिक मीट हो रही है, मतलब काफ़ी सारे एथलीट्स हैं, वो मीट कर रहे हैं और उनकी हाइट का हमें डेटा बनाना है। तो देखो, हाइट तो कॉन्टीन्यूअस हो सकती है। आप कहोगे कि ऐसा तो बहुत रेयर चांस है कि कॉन्टीन्यूअस हाइट हमें मिले, फिक्स्ड हाइट मिल सकती है हमें 160 170 ऐसी। लेकिन फिर भी एक केस ऐसा भी बन सकता है जहाँ हाइट्स कॉन्टीन्यूअस हो, क्योंकि किसी भी हाइट के एथलीट आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हाइट्स जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस डेटा है और इसको हम लोग हिस्टोग्राम से इसीलिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात हो रही है नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाई 5 different companies। यहाँ तो उसने सीधा सीधा हमें 5 बोल ही दिया है, 5 different companies, 5 अलग अलग companies। ये डिफरेंट वर्ड जैसे ही आपने देख लिया, अब हमें पता चल गया कि ये कॉन्टीन्यूअस डेटा नहीं है, ये डिस्टिंक्टिव डेटा है। अलग अलग हमें ऑलरेडी 5 companies मिल रही हैं और उनके लिए 5 bars हम लोग जितने भी नंबर ऑफ कैसेट्स वो बना रही हैं उस हिसाब से बना लेंगे। इसलिए इसके केस में भी हमें हिस्टोग्राम की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लास्ट की बात करें, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। अब देखो, 7 सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन बोर्ड करेंगे वो कंटिन्यूस होंगे। मतलब एक आदमी चढ़ा, हमने काउंट किया 1, फिर 2 चढ़े, हमने काउंट किया 2, तो ऐसे कर करके हम लोग कंटिन्यूसली काउंट करते जाएंगे 1, 2, 3, 4, और एक पर्टिकुलर डेटा सेट बन रहा है हमारे पास, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं बन रहा है। तो डिस्टिंक्ट नहीं बन रहा है, कंटिन्यूस डेटा बन रहा है, तो हम उसे खुद डिस्टिंक्ट बनाएंगे। खुद कैसे डिस्टिंक्ट बना सकते हैं? देखो, 7 AM टू 7 PM दे रखा है, तो हम लोग 2-2 घंटे का स्केल ले लेंगे कि 7 बजे से सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कितने लोग चढ़े। ठीक है, फिर आप ले लोगे कि 9 बजे से 11 बजे कितने लोग चढ़े, ऐसे ही 11 बजे से फिर 1 PM तक कितने लोग चढ़े, अभी AM चल रहा था, फिर 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7 PM। तो इस तरह से हम लोग खुद उस डेटा को अलग अलग पार्ट्स में ग्रुप करेंगे। हमारे पास कंटिन्यूस डेटा था, वो ग्रुप करने वाले हम लोग हैं, ऑलरेडी हमें ग्रुप डेटा नहीं था। जैसे यहाँ ऑलरेडी उसने 5 पार्ट्स में ग्रुप करके दिया था, ठीक है, यहाँ पर भी एरियाज ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं तो ग्रुप्ड हैं ऑलरेडी, हमें ग्रुप नहीं करने थे। तो जहाँ पे हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जहाँ कंटिन्यूस डेटा नहीं है हमारे पास, जहाँ कंटिन्यूस डेटा नहीं है, हाँ, वहाँ पर हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस वाले में क्या हुआ, हमें ग्रुपिंग यूज़ करनी पड़ी, तो इस वाले में भी हम हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है हमारे पास। अभी मेन क्वेश्चन तो वैसे इसके बाद था, बट फिर हमें आंसर सॉल्व करने की जगह नहीं बचती तो वो मैं अलग से प्रोनाउंस कर दूंगा। देखो, हमें क्या दे रखा है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। तो जो एक कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं, जो ख़रीदने के लिए जाते हैं कुछ सामान, तो उनको मार्क कर दिया है। जो भी आदमी मैन खरीदने जाते हैं उनको M से मार्क कर दिया है, वुमेन खरीदने जाते हैं उनके W से मार्क कर दिया है, गर्ल्स जाते हैं उनको J से मार्क कर दिया और बॉयज़ को B से मार्क कर दिया है। ठीक है, तो फॉलोइंग लिस्ट उसने हमें दे रखी है कि जो जो लोग आते गए वो ऐसे ऐसे उनको मार्क करते गए। अच्छा, क्वेश्चन नीचे क्या था, क्वेश्चन था कि हमें इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और जाहिर सी बात है इसमें हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी 4 चीज़ें, डिस्टिंक्ट चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधी 4 डिस्टिंक्ट चीज़ों का टैली मार्क्स हम लोग बना लेंगे जैसे जैसे वो आते हैं, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा फ्रीक्वेंसी का, उसको हम लोग एक बार ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इस डेटा का हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और उस टेबल को यूज़ करके बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो टेबल में हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख दें, यहाँ पर कैटेगरी लिख दो आप, चलो। ठीक है, कैटेगरी क्या क्या हो जाएगी, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे टैली मार्क्स, और फिर जो भी टैली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी लिख दो सीधा आप, जो भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो यहाँ लिख लेंगे, और उतनी जगह में हम लोग हमारा बार ग्राफ बना लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास हैं 3 W, तो W कहाँ पर है, यहाँ पर, तो W में 3 लाइंस, फिर G है मेरे पास एक, तो G, मेरे पास एक B है तो B, फिर मेरे पास 2 W हैं, तो जैसे ही चौथा W हो जाएगा, पाँचवें के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, ऐसे करके एक कट लगा देंगे, ये 5 का एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। फिर मेरे पास M है,
तो एम में एक कर दिया मैंने, दो जी है मेरे पास तो मैंने जी में दो इस तरह से कर दिए, फिर मेरे पास दो फिर से एम है तो एम में दो कर दिए मैंने, डब्ल्यू मेरे पास फोर हैं तो फोर डब्ल्यू कीजिए, 1 2 3 4, उसके बाद एक जी और एक बी, तो यहाँ पर एक जी लिया और एक बी लिया, फिर एम है एक, एक एम ले लिया, फिर दो डब्ल्यू हैं तो दो डब्ल्यू देखो चार हो चुके थे तो एक तो कट करके लोगे और एक अलग से लोगे, फिर बी है मेरे पास एक बी ले लिया, मेरे पास दो जी हैं तो जी देखो चार हो चुके थे, एक कट करके ऐसे लोगे और एक ऐसे लोगे, फिर मेरे पास एक एम है, एम भी देखो चार हो चुके हैं तो एक ऐसे ले लोगे, फिर दो डब्ल्यू है मेरे पास तो वन और दो डब्ल्यू, ऐसे ही दो एम हैं तो वन और टू दो एम, फिर मेरे पास तीन डब्ल्यू दोबारा हैं तो वन टू और थ्री, ऐसे ही एक एम और है तो एक एम, फिर से एक डब्ल्यू है तो डब्ल्यू, फिर एक बी है तो एक बी, फिर एक डब्ल्यू दोबारा है तो एक डब्ल्यू, फिर एक जी है गर्ल तो जी ले लिया, फिर एक एम तो एक एम ले लिया, और इस तरह से ही देखो मतलब एक एक करके आपको पूरा लिख लेना है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया है मेरा, सारे टैली मार्क्स बना लिए मैंने, देखो मैन कितने आए 5 10 15, 5 3 15, वुमेन कितनी आई 5 10 15 20 25, 5 का टेबल पढ़ रहा हूँ क्योंकि 5 का पेयर है, 25 के अलावा ये तीन और हैं मतलब 28, ठीक है। गर्ल की बात करें तो 5 और 5 10 और 2 12, ऐसे ही बॉयज़ की बात करें तो 5 बॉयज़ हो गए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन बताते टाइम यहाँ पर इतना सारा डेटा था, कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा लिख गई हों या मिस हो गई हों, तो अगर आंसर ये वाला बुक से ना मैच हो बाई चांस तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे से या आपसे कुछ गलती हो रही है कैलकुलेट करने में, हो सकता है क्वेश्चन अलग लिख गया हो, तो कोई बात नहीं, हमें मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है वो सीखना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख ली फ्रीक्वेंसी, अब हमें बनाना होगा ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब हमें बनाना होगा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए हमेशा क्या करते हैं, दो एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते थे आपको याद होगा तो फ्रीक्वेंसी लेते थे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख दी, या फिर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग, दोनों चीज़ें लिख सकते हो। ये वाली कैटेगरी यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गई हमारी कैटेगरी, तो कैटेगरी में थोड़ी सी जगह वैसे इसको और नीचे लिख के इस एम डब्ल्यू बी जी को लिखने के लिए छोड़नी चाहिए हमें, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एम में देखो कि अच्छा अब बनाना पड़ेगा स्केल, स्केल हमेशा हम ये जो वैल्यूज आई हैं उनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को मैं कितने के स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो सबसे छोटी वैल्यू है 5 और सबसे बड़ी वैल्यू है 28, तो अगर मैं 5-5 का स्केल बना दूं, मतलब 0 के बाद 5 फिर 10 फिर 15 20 25 और 30, तो 5 6 30 होता है, मतलब 6 ऐसी लाइंस मुझे खींचनी पड़ेंगी, तो 6 लाइंस में ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा और मुझे दिख रहा है कि मेरा डेटा भी सारा अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाएगा, तो 5 का स्केल में ले लूँगा, ये हो गया 0 5 10 15 20 25 और ये 30, इसको थोड़ा और इधर लिखेंगे आप, क्लियर होने चाहिए आपके ग्राफ। तो देखो अब हम सबसे पहले मैन रिप्रेजेंट करना है, मैन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो 15 जहाँ पर आ रहा है ना उसी रेंज का एक बार ग्राफ बना दोगे, और इसी में लिख दो चाहे तो मैन ऐसे करके या फिर नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह लिख सकते हो। वुमेन की बात करें, वुमेन है 28, तो देखो ये 25 है ये 30 है। अब इसमें आपको एक चीज़ मुझे और सिखानी है, देखो यहाँ पर हमने 5 का स्केल लिया है लेकिन जब हम लोग एक ऐसा ये क्या है, ऐसे 10 कॉलम बने होते हैं जब आप ग्राफ पे बनाते हो ना, तो 10 कॉलम बने होते हैं ऐसे और 10 बने होते हैं ऐसे, एक एक छोटे छोटे बॉक्स में ऐसे 10 कॉलम बने होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, मुझे दिख रहा है कि 25 से 30 के बीच में जो मैंने एक स्पेस छोड़ी है इसमें 10 कॉलम बने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चल कितना रहा हूँ 25 से 30 में, सिर्फ 5 कदम चल रहा हूँ, है ना, 25 से 30 5 ही तो गए, 25 प्लस 5 30 हो गया, मतलब कि हर एक स्टेप में मतलब 25 से 26 गया होगा तो मुझे दो छोटे वाले बॉक्स कवर करने पड़े होंगे, तो 26 से 27 गया तो दो बॉक्स कवर करने पड़े, 27 से 28 गया फिर दो बॉक्स कवर करने पड़े, ऐसे ही 29 तक दो बॉक्स और 30 तक दो बॉक्स, एक बार में दो बॉक्स चलूँगा तभी तो इस 5 के स्टेप साइज़ के लिए 10 बॉक्सेस कवर कर पाऊँगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है बनाते वक्त।
अब कितने दे रखे हैं मेरे को वुमेन, 28, मतलब मैं 25 के ऊपर 3 बार गया था, 28 आया। और इस 3 के साइज़ को कवर करने के लिए कितने कॉलम चलने पड़ेंगे हमें, 6 कॉलम चलने पड़ेंगे। अब यहाँ तो ग्राफ बनानी है, यहाँ तो मैं रफली ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ कहीं 28 आ रहा होगा, बट एक्चुअली 28 कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर इसके बाद 6 ब्लॉक्स आप चल चुके होंगे, 6 छोटे वाले ब्लॉक, सबसे छोटे वाले 1 mm वाले ब्लॉक्स। तो इसमें लिख दिया आपने वुमेन। इसके बाद हमारे पास गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, 5, 10 और 12। अब देखो ये दोस्त ऊपर गया तो हमारे, हम कितने ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे, 4। इस क्वेश्चन में 4 जा रहे हैं, अगर आप कभी कोई और स्केल लोगे, 10 का स्केल लोगे, तो आप एक एक जाओगे। इस क्वेश्चन में हमने 5 का स्केल लिया है, तो 4 कॉलम, 4 ब्लॉक्स छोटे वाले ऊपर जाएंगे। तो 12 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो ये हो गया हमारा गर्ल। बॉयज़ हमारे हैं 5, 5 तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बॉयज़ का डेटा। तो इस तरह से हम लोग फ्री, अच्छा टेबल इसमें मत बनाना भूलना, ठीक है, यहाँ तो मैंने मार्कर की इंक बचाने के लिए टेबल ऐसे नहीं बनाया है, आपको टेबल ज़रूर बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये हो जाएगा उससे एसोसिएटेड बार ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द वीकली वेजेस। वेजेस मतलब होता है, एक तरह से आप मान सकते हो सैलरी होती है, मतलब आप कोई काम करते हो तो उसके लिए आपको जो सैलरी मिलती है। तो वीकली वेजेस इन रुपीस ऑफ 30 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री आर, ठीक है, तो 30 वर्कर्स को एक हफ्ते में कितनी सैलरी मिलती है रुपीस में, वो यहाँ पर हमें दे रखी है। किसी को 830 मिल रही है, 835 रुपीस, 890 रुपीस, तो 30 वर्कर्स की एक हफ्ते की सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है। यूजिंग टैली मार्क्स मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, FDT मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इंटरवल्स एज। अच्छा, अब उसने क्या किया, हमें कहा है कि टैली मार्क्स को यूज़ करके इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और इंटरवल्स भी उसने हमें खुद बता दिए। इंटरवल्स बता दिए मतलब उसने कहा है कि 800 से देखो कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है ये, 804 मुझे सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है सैलरी की, 804, हाँ 804 है, और सबसे बड़ी 890 दिख रही है, एक तो 898 दिख रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं 800 से 900 के बीच में सबको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा डेटा था, तो इसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए उसने खुद ही बता दिया हमें कि ऐसे ग्रुप कर दो, 10 ग्रुप बना दो, एक 800 से 810 का, फिर 810 से 20 का, फिर ऐसे ही एंड सो ऑन, मतलब 20 से 30 का, 30 से 40 का। तो उसने हमसे कह दिया है कि इस तरह से ग्रुप बना के हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सैलरी, तो सैलरी के लिए क्या लिखोगे, 800 से 810, 810 से 820, पिछले लेक्चर में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि बार बार सुनोगे तो शायद याद आ जाएगा। इस तरह की चीज़ों में जो बाद वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, पहले वाली वैल्यू को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। इस क्लास के लिए ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो जो आएगा उसको हम लोग इस क्लास की विड्थ बोल देते हैं, जो कि हर क्लास की सेम होगी, इसकी इसकी सबकी सेम होगी। इसमें से ये गया 10 आ रहा है, इसमें से ये गया 10 आ रहा है, ठीक है। इसके आगे के क्या करते हैं हम लोग, अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो वैसे भी हमें वो तो बनाना नहीं है, क्या नहीं बनाना है, ग्राफ तो कोई बनाना नहीं है, सिर्फ टैली मार्क्स बनाने को बोले हैं, और वैल्यूज़ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30 हैं ओवरऑल, तो टैली मार्क्स भी इतने में बन जाएंगे मेरे हिसाब से, यहाँ पर कितना आया फ्रीक्वेंसी वो लिख देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे का टेबल मैं यहाँ से बना रहा हूँ, हेडिंग भी दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। 70 तक आ गए थे हम लोग, ओके ठीक है। अब हम लोगों को एक एक करके लिखना शुरू करना है, सबसे पहले है मेरे पास 830। अच्छा ये कन्फ्यूज़न अब आपको आएगी अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा था, 830 यहाँ भी है, 830 यहाँ भी है, ऐसे केस में हमने बताया था कि हम हमेशा बाद वाले में लिखेंगे। बाद में कौन सा आ रहा है, ये वाला, इसको अपर क्लास भी बोलते हैं, ये इससे अपर क्लास है, हायर क्लास है, ठीक है, जितना जितना बाद में आता जाएगा। तो हम लोग इस वाले में लेंगे 830 को, तो 830 इस वाले ग्रुप में आ रहा है। फिर है 835, तो देखो 30 से 40 के बीच में ही 35 आएगा, तो वो भी यहीं पर आ गया। फिर है 890,
90 किस वाले में आएगा, 90 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट इस वाले में आएगा 90। ऐसे ही 810 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर इस वाले में आएगा 835 आएगा यहाँ पर, 30 और 40 के बीच में। 36 भी यहीं पर आएगा। 69 कहाँ आएगा, 60 और 70 वाले ग्रुप में, 60 और 70 वाला ग्रुप ये रहा 69। फिर 45 आया, 45 कहाँ आता है, 40 और 50 के बीच में, यहाँ पे आ गया। 98 कहाँ आएगा, 90 और 100 के बीच में ये वाला। फिर 90 भी यहीं पर आएगा। 820 आएगा, 820 से 830 इस ग्रुप में। 860 आएगा, 860 से 870 इस वाले ग्रुप में। 32 आएगा, 30 से 40 वाले ग्रुप में, मतलब ये देखो चार हो चुके हैं, इसको पाँच बना दिया। 33 भी यहीं पर आएगा, 30 से 40 वाले ग्रुप में। 55 आएगा, 50 से 60 के बीच में। 45 आएगा, 40 और 50 वाले ग्रुप में। 840 आ जाएगा इस 40 से 50 वाले ग्रुप में, ठीक है। तो एक एक करके सारे डेटा को जैसे मैंने कि बताया था वैसे ही हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया। अब देखो 800 से 810 कितने आए, 1, 2 और 3। यहाँ पर आप लिख दोगे फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी के अलावा आप क्या, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल रहे हैं जिनकी सैलरी 800 से और 810 के बीच में। कितने आए हैं, 3। ये कितने आए हैं, 2। 820 से 830 के बीच में, 1। 30 से 40 के बीच में, 5, 6, 7, 8, 9। 40 से 50 के बीच में 5 दिख रहा है सीधा सीधा एक ग्रुप। 50 से 60 के बीच में 1। 60 से 70 के बीच में 1, 2 एंड 3। ऐसे ही इस वाले में कितने आ रहे हैं देखो, ये हो गया टेलीमार्क। तो 870 से 880 के बीच में सिर्फ एक आया है, 80 से 90 के बीच में भी एक आया है, 90 से 900 के बीच में 4 आए हैं। ये हो गए नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मत लिखना, नंबर ऑफ वर्कर्स ही लिख देना, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। कभी आपको समझ ना आए इंग्लिश में दिक्कत हो कि क्या लिखूं, तो आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, जनरल चीज़ है, हर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी तो लिख ही सकते हो, वरना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी निकाल रहे हो वो लिख देना, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वही हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम नंबर ऑफ वर्कर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे सैलरी अलग अलग वर्कर्स की अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। तो 3 वर्कर्स की सैलरी 800 से 810 के बीच में है, ऐसे ही 9 वर्कर्स की सैलरी 830 से 840 के बीच में है। तो अब इस तरह से बनाने के बाद हम लोग डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैंने इरेज करके दोबारा क्यों लिख दिया, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने हमसे कहा है कि ये कंटिन्यूस डेटा जो आपसे मैंने बनवा लिया है, इसके लिए आप एक हिस्टोग्राम बनाइए, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा है तो इसका हिस्टोग्राम बनेगा, तो ये टेबल मैं बना रहने देता हूँ। अब हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बता दिया मैंने आपको इस डेटा का हमें हिस्टोग्राम बनाना है, और उससे एसोसिएटेड एक दो क्वेश्चन पूछें वो मैं आपको बता दूंगा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखो, ये वाला जो कंटिन्यूस साइकिल्स होती हैं, ये हमेशा आपको याद होगा एक्स एक्सिस पे आती हैं, और फ्रीक्वेंसी आती है वाई एक्सिस पे। हिस्टोग्राम के लिए भी हमें चाहिए होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर आएगी मेरी फ्रीक्वेंसी, या फिर मैंने बताया आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी की जगह आपको लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हैं हमारे, हमारी सैलरी है एक्स एक्सिस पे। अब सैलरी देखो 10-10 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ज़्यादा आगे तक जाएगी क्वाइट श्योर। तो सबसे पहले यहाँ तो ज़ीरो होता है, ज़ीरो के बाद है मेरे पास 800, एट हंड्रेड टेन, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 900। इसके बाद ग्राफ को हम लोग बंद कर देंगे। तो देखो 0 से 800 कितने लोगों की सैलरी है, किसी की भी सैलरी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये 0 यहाँ इस 800 पे बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारा ग्राफ कॉर्नर से स्टार्ट होगा जब भी हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो 800 की जगह हम लोग सीधा 0 से 810 की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ग्राफ यहाँ से नहीं स्टार्ट हो सकता बार ग्राफ की तरह, वो हमें कॉर्नर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसा कि आपकी बुक में गिवन है।
बिल्कुल, अगर आपको कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना है ना, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो। मेरे को लगा था आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा था, बट आपके बुक में बना है तो बता देता हूँ कि आप 800 से ही स्टार्ट करो, कॉर्नर छोड़ दो, यहाँ पर ज़ीरो रखो। बट देखो अब दिक्कत क्या आ रही है ना कि ज़ीरो के बाद 800 नहीं आना चाहिए, ज़ीरो के बाद 10, 20, 30, 40, क्योंकि 10-10 का स्केल है ना, तो ऐसे कर करके हम 800 तक पहुँचने चाहिए। डायरेक्ट ज़ीरो से 800 आ गया तो फिर 800 के बाद 1600 आना चाहिए, मतलब फिर 800 के साइज़ में चलनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, जब भी अनइवन स्केल बनाओगे ज़ीरो से यहाँ तक, मतलब देखो इसके बाद 10-10 का गैप आपने बना लिया बट यहाँ 800 का गैप आ रहा है, तो इस 800 के गैप के लिए आप ये वाला सिंबल बना दोगे। ठीक है, ये सिंबल डिनोट करता है कि यहाँ पे कुछ पार्ट हमने इस स्केल का काट दिया है क्योंकि वो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, ऐसे ही वाई एक्सेस पे भी कर सकते हैं, सिर्फ एक्स पे नहीं। वाई एक्सेस में देखो हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 3, 2, 1, 1 सबसे छोटा है और 9 मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है, तो हम 2-2 का गैप ले लेंगे। यहाँ 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद मुझे चाहिए नहीं है, 10 भी नहीं है वैसे तो डायरेक्ट वाई एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म गैप है, यहाँ से यहाँ भी 2, 2, 2 सब में 2, 2 का गैप है, तो यहाँ पर वो सिंबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 800 से 810 कितने लोग हैं, 3, 3 कहाँ आ रहा होगा 2 और 3 के बीच में, तो ये ऐसे बना दिया। अब 810 से 20 कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 पे बना देंगे। फिर एक ही लोग है 20 से 30 के बीच में, तो 1 का ही बना देंगे। 30 से 40 9 लोग हैं, तो 9 देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है ना, तो 9 लोग ऐसे बना देंगे। फिर 40 से 50 5 लोग, तो 5 बना देंगे। ऐसे ही 50 से 60 1 लोग हैं, तो 1 बना देंगे। 60 से 70 3 लोग हैं, 3 यहाँ कहीं आ रहा था, तो ये हमने 3 लोग बना दिया, 3 यहाँ आ रहा था। अच्छा ओके, थोड़ा सा और हाइट, वैसे ग्राफ पे बनाएंगे आप तो ये गलती नहीं होगी। ऐसे ही 60 to 70 3 लोग बना दिए, 70 to 80 फिर से 1 लोग, 80 to 90 के बीच में भी 1 ही इंसान है, और 90 to 100 के बीच में, 890 to 900 के बीच में 4 लोग हैं, तो 4 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा मान लो 4 यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है हिस्टोग्राम। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और पूछे हैं, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्कर्स, वो पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं। तो यहाँ जो टेबल बना था उससे भी हमें दिख रहा था कि ये 9 है मैक्सिमम वर्कर्स, और ये कौन से ग्रुप में आ रहे थे, 830 से 840। लेकिन जब भी एनालिसिस करेंगे तो कोशिश करेंगे कि ग्राफ से करें, और ज़्यादा आसान होता है, टेबल से भी आसान होती है पर ग्राफ से। तो देखो ग्राफ हमें सीधा सीधा नंबर ऑफ़ वर्कर्स बता रहा है, तो जिसकी भी सबसे ऊंची इमारत होगी, किसकी सबसे ऊंची है, 830 to 840 की, तो कौन से ग्रुप के मैक्सिमम नंबर्स हैं, 830 to 840। नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न रुपीज़ 850 और मोर। अच्छा, अब उसने कहा 850 या उससे ज़्यादा कितने वर्कर्स अर्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो ना, और इसको सिंपल करने के लिए इसके ऊपर वैल्यू लिख सकते हो। 800 से 810 के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। 10 से 20 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। 20 से 30 1 लोग। ऐसे ही यहाँ पर 9, 5, 1, 3, 1, 1, 4। अब और कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी इस तरह के क्वेश्चन में। उसने आपसे पूछा 850 से ज़्यादा कितने लोग अर्न कर रहे हैं, इस ग्राफ पे आप 850 कहाँ पर है वो ढूंढ लो, ये रहा 850, तो 850 से ज़्यादा अर्न करने वाले लोग इस साइड आ रहे हैं। कितने लोग हैं, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो कितने लोग हो गए, 3 + 1 = 4, 5, 6 और 4 = 10, तो टोटल 10 लोग हो गए जो 850 या उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और इसका ही लास्ट पार्ट है कि कितने वर्कर्स हैं जो 850 से कम अर्न कर रहे हैं, 850 से कम, तो 850 से कम वाले इस तरफ वाले हो जाएंगे, तो 5 + 9 = 14 + 1 = 15 + 2 = 17 + 3 = 20, तो 20 लोग हैं जो कम अर्न कर रहे हैं उससे। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा इस एक्सिस पे आती है, तो ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर आर ड्यूरेशन में टीवी देख रहे हैं किसी छुट्टी के दिन, मतलब कि 1 से 2 घंटे, 4 लिखा है ना, मतलब 4 बच्चे जो हैं 1 से 2 घंटे टीवी देखते हैं छुट्टी के दिन। फिर 8 लिखा हुआ है इसमें, 8,
तो 2 से 3 घंटे देखते हैं 8 बच्चे, 8 बच्चे छुट्टी के दिन 2 से घंटे टीवी देखते हैं। ऐसे ही 22 स्टूडेंट्स हैं जो 3 से 4 घंटे देखते हैं टीवी, 32 स्टूडेंट्स हैं जो 4 से 5 घंटे देखते हैं टीवी। इतनी टीवी नहीं देखनी चाहिए, चाहे भले ही आप टीवी पे न्यूज़ क्यों ना देख रहे हो, न्यूज़ भी आप ट्राई करो कि आप पेपर से पढ़ो टीवी पे देखने की जगह। टीवी पे कई बार एंकर्स जो हैं वो न्यूज़ बताने की जगह अपने खुद के ओपिनियन बताने लगते हैं, जिनसे आप प्रभावित हो जाते हैं और आपकी सोच मैनिपुलेट हो जाती है। आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत, और जैसा वो बता रहा है उस हिसाब से सोचने लगते हैं चीज़ों। तो न्यूज़ भी देख रहे हो तो भी कोशिश करो कि टीवी पे नहीं न्यूज़पेपर से देखो। इनफैक्ट टीवी देखो ही मत, टीवी इज़ द वर्स्ट वे टू लर्न एनीथिंग। ठीक है, वहाँ से आप कोई भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बट वो सबसे बेकार तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का। तो कोशिश करो कि टीवी पे जितना कम टाइम दो उतना अच्छा है। तो इन 32 स्टूडेंट्स में नहीं आना है आपको, आपको इस 1 to 2 वाले में आना है। थोड़ी देर देखो, कुछ भी देखो पर थोड़ी देर देखो। 5 to 6 hours 8 बच्चे देख रहे हैं। तो अब हमसे उसने इस ग्राफ के बेसिस पे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे हैं और हमें यही क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। सबसे ज़्यादा बच्चे किस आर ड्यूरेशन में टीवी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 32, सबसे ऊँची इमारत। किस आर ड्यूरेशन में, 4 to 5। तो सबसे ज़्यादा फॉर हाउ मैनी आवर्स पूछा है, तो 4 से 5 घंटे, 4 to 5 hours, 4 to 5 hours के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे टीवी देख रहे हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours। पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमने वहाँ पर एक क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पर उसने पूछा है 4 घंटे या से कम जो है टीवी कितने बच्चों ने देखी है। 4 घंटे ढूंढिए आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, ये रहे, उससे कम क्या आ जाएगा, 22 + 8 + 4, तो कितना हो गया, 34। तो 34 स्टूडेंट्स हैं जो 4 घंटे से कम देख रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स। अब देखो 5 घंटे से भी ज़्यादा कितने बच्चे देख रहे हैं, ये 32, ये 8 और ये 6 बच्चे, तो बिल्कुल ही कमाल है, इनके पास कुछ काम ही नहीं है, 6 से 7 घंटे टीवी देख रहे हैं बस। तो 5 घंटे से ज़्यादा, सबसे पहले आपने 5 ढूंढ लिया, 5 से ज़्यादा कौन कौन से हैं, ये 8 और ये 6, तो 8 + 6 14 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ज़िंदगी में कुछ काम नहीं है, 5 से 7 घंटे टीवी देख रहे हैं वो लोग। ठीक है, आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको ये 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक आ जाओ कोई बात नहीं, इस रेंज में रहना है। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे, या फिर आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, वो टीवी देख रहे होंगे वो बच्चे, ये वाले जो हैं वो टीवी देख रहे होंगे। आपको टीवी देखने की जगह यूट्यूब पे ये वाली वीडियोस देखनी है जिनसे आपका भला हो जाए। ठीक है, चलो तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। कल हम लोग हमारे में देखेंगे सर्कुलर ग्राफ, जो कि पाई चार्ट होता है, बनाना सीखेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, आप नहीं देखोगे तो बाद में आपको नहीं समझ आएगा। तो लेक्चर्स रेगुलरली देखते रहिए, अपने डाउट्स रेगुलरली भेजते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना, ताकि वो लोग टीवी छोड़कर यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ पढ़ाई कर लें। थैंक यू।